लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब बेटी हुई है लेकिन आपकी पत्नी क्या हुआ सुमन को? ज्यादा वक्त नहीं कुमार साहब प्लीज। सुमन कैसी हो? सुमन मैं तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही हूँ कुमार। नहीं सुमन ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम नहीं मरोगी। डॉक्टर कोई फायदा नहीं, मौत के पंजे से आज तक जिंदगी को कोई नहीं छीन पाया। नहीं सुमन तुम नहीं मरोगी, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। नहीं तुम जियोगे, तुम्हें जीना ही पड़ेगा। अपनी अपनी बेटी के लिए वादा करो, वादा करो तुम जियोगे, वादा करो ना। मैं वादा करता हूँ। और मेरी कसम खाओ, मेरी बेटी के सर पर तुम सौतेली माँ का साया नहीं पड़ने दोगे। मैं कसम खाता हूँ। घर Oh,
मिनिस्टर साहब से भी बात कर लो, मैंने उनसे बात कर ली है। That's right. अरे तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ मैं यहीं बंबई में हूँ। Thank you. हाँ कहाँ? हाँ। और सक्सेना। और कुछ? सर, वो गुप्ता सब आने ही वाले हैं। उनके साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। 5 बज गए हैं। और वो लेट हो गए हैं। I can't wait any longer. I'm sorry, सक्सेना। But sir, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। अगर बुरा मान जाए तो खुशी से ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दें, और अगर बुरा ना माने तो कह देना कल मिलेंगे। लेकिन सर, देखो सक्सेना, 5 बजे के बाद का वक्त सिर्फ मेरी बेटी का है, जिसे कोई बिजनेस कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकता, समझे? प्रिया, प्रिया, प्रिया बेटे, प्रिया, प्रिया, अरे प्रिया को कहीं देखा? अभी अभी तो यहीं बैठी कुछ लिख रही थी साहब। यहीं बैठी लिख रही थी? मैं थोड़ी सी आजादी चाहती हूँ, जो आप मुझे नहीं दे रहे हैं। आपका प्यार जंजीर बनकर मेरे पाँव में जकड़ चुका है। आपका ये आलीशान घर एक सोने का पिंजरा बन के रह गया है मेरे लिए, इसलिए मैं इस घुटन से तंग आकर आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। क्या बात है कुमार, तुम इतने घबराए हुए क्यों? प्रिया तुम्हारे यहाँ तो नहीं आई? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों? पता नहीं कहीं चली गई। अरे कुमार बताओ तो सही, बात क्या है? शायद वो घर से भाग गई है। क्या कुमार? Thank you.
सेठी, सेठी, अरे यार आहिस्ता, मैं डॉक्टर हूँ तो क्या मेरा भी दिल बैठ सकता है? सेठी, प्रिया तुम्हारे घर आई थी? हाँ, आई थी। कब? कब? परसों। अरे परसों की नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज प्रिया तुम्हारे घर आई थी कि नहीं? नहीं आई तो अब आ जाएगी जब उसे पता चलेगा। तुम यहाँ आओ, दो दो व्यक्ति। अरे मजाक मत करो, प्रिया घर छोड़कर चली गई। आने में जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। एक तो देर से आएंगे, ऊपर से बोलेंगे भी नहीं। कहाँ गई थी तू? मैं कब? शाम को। शाम को? ओह शाम को तो मैं सेवन क्वार्टर्स में गई थी। पापा आपको पता है हमारी काली बिल्ली ने बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं पहले तू बता के। पापा आपकी आंखों में आंसू। ये क्या है? डायरी। क्या लिखा है इसमें? मेरे कॉलेज के ड्रामे का सीन। हा? आप क्या समझे? मैं समझा कि तू घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर? ओ नो पापा, मैं आपको छोड़कर कभी जा सकती हूँ क्या? बेटा आइंदा अपने ड्रामे अपने कॉलेज की हद तक ही रखना, वरना तेरा पापा मर जाएगा। ऐसा मत कहिए पापा, मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए, फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। कुमार, कुमार। कुल अंकल। अरे मिल गई। मिल गई से क्या मतलब, मैं खोई कब थी? तो तेरा बाप बेकार में परेशान हो रहा था क्या? तो मुझे क्या मालूम, मैं तो बिल्ली के बच्चे देखने गई थी। इसने तो सारा शहर सर पर उठा लिया, तुम छोटी छोटी बातों में घबरा क्यों जाते हो? और जानती हो हमारे दिल पे क्या गुजरी? गाड़ी लेकर कहां कहां नहीं ढूंढा तुझे, कितनी मन्नतें मांगी, कितने फोन किए, 36 कॉल्स कर चुका हूं अभी तक मैं। तो डांट क्यों रहे हो अंकल, बिलाएगा तो घर भेज देना। एक तो हमारा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से मजाक करती है। ठहर, मजाक करता हूं तुझे। पापा, पापा भाग के जाएगी कहां? पापा प्लीज, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। खैर तेरी चटनी बना दूंगा मैं। क्या फायदा होगा, डॉक्टर अंकल ने तो आपको तेज खाने के लिए मना किया है। तुमने भी हद कर दी कुमार, मैं पूछता हूं। घबरा गया था कुल। चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक, कम। यूं तो हर बाप अपनी इकलौती बेटी से प्यार करता है, मगर तेरा प्यार देखकर मुझे डर लगता है। क्यों भाई? वैसे तो बड़ी फिक्र है तुझे उसकी, लेकिन कभी इस बात की भी फिक्र की है कि तेरी बच्ची बड़ी हो रही है? चल, इसमें फिक्र करने की क्या बात है भाई, बच्ची बड़ी हो रही है तो खुशी की बात है। अगर सुमन जिंदा होती तो शायद मुझे बताने की जरूरत न पड़ती। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी के बारे में भी सोचना पड़ता है। किस सोच में पड़ गया? शादी नहीं कराएगा बेटी, जिंदगी भर कुंवारी बिठा के रखेगा घर में उसे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाप के घर बेटी मेहमान की तरह होती है, उसका अपना घर वही होता है जहां उसकी शादी होती है। हाँ मैं जानता हूं कुल, लेकिन कुल मैं प्रिया को अपने से अलग कैसे कर पाऊंगा? जैसे दुनिया के और बाप करते हैं। देखो कुमार, बेटी पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन तुम्हें अपने से दूर करना ही है। इसलिए कहता हूं ये प्यार थोड़ा कम कर दो, वरना विदा करते हुए बहुत तकलीफ होगी। अपनी बेटी को विदा करते वक्त तकलीफ तो हर बाप को होती है, हर बाप रोता है, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन ठीक है दोस्त, उस दिन जो होगा देख लेंगे। चीयर्स। चीयर्स। ये लीजिए आपका घोड़ा गया।
घोड़े के जाने से क्या होगा? अब आप देखिए कमाल, देखिए एक्सपर्ट प्ले। ये शेर और ये मात, फिनिश, यू've lost the game। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ से क्या मतलब? ये है, अभी भी है, ऐसा कैसे? नहीं नहीं नहीं, डबल हाथी है। ये ऊंट है। There you are, you see you've lost। अब हार गए। ये कैसे हो सकता है? अभी ये हाथी बाकी है। हाथी से क्या हो सकता है? ये हो सकता है। ये हो सकता है? अरे कोई तरीका खेलने का? अरे भाई हाथी सीधी चाल चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, टेढ़ी चाल थोड़ी चल सकता है। जानवर है पापा, मुसीबत के वक्त कैसे भी चल सकता है। मुसीबत के वक्त कैसे भी चल सकता है? You have lost, पापा, आप हार गए, आप हार मान लीजिए। अपनी बेटी से तो हारे। अरे खेल में तो हार जीत चलती रहती है, खेल में हार जीत चलती है ना। आप देखिए देखिए देखिए, आप चीटिंग मत करिए, चीटिंग मत करिए पापा। आप हार गए, मुझसे हारे तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या फर्क पड़ता है हारने से? हार जीत चलती रहती है पापा। अच्छा ठीक है, आप फिर भी जीतना चाहते है ना? आप जीतना चाहते हैं ना? अब फिर से मोहरे लगाइए, हम फिर से खेलते हैं। मैं इस बार आपको जिता देती हूँ। तो आजाद कर देती हूँ, जाओ अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लो। और अगर तुम्हें गोरे चिट्टे मेमे बहुत पसंद है तो मुझे भी गोरे चिट्टे अंग्रेज कुछ बुरे नहीं लगते। किरण मेरी जान, तुम पूरी बात समझती हो नहीं और नाराज हो जाती हो। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगा था, और मेरी इस मजबूरी का जब मेरे पिताजी को मालूम हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तू इतना ही मजबूर है तो तेरी शादी मैं वहीं करवा देता हूँ। बस मैं तो इसे अपनी उसी मजबूरी के बारे में बता रहा था। समझा रहे थे कि उल्टी पट्टी पढ़ा रहे थे? शायद वही, हिंदुस्तानी लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे थे। क्या कमी है इस लड़की में? कुछ भी नहीं। तुम्हारी लंदन की कोई भी मेम इसके सामने खड़ी रह सकती है? सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ गोरी गोरी होती है, आटे की बोरी की तरह, न नमक न मिर्च। बिल्कुल सही कहा। चुप करो। अजय, ये हीरा तुमने कहाँ से ढूंढा? ढूंढा नहीं, मेरे बचपन की साथी। अच्छा, तो फिर अपने बचपन के साथी को अपना जीवन साथी बना के यहाँ ले आओ। जीवन साथी? इतना आसान नहीं किरण। शादी के लिए कौन राजी करेगा उसे? अपने पापा की वो इतनी लाडली है कि उन्हें छोड़कर वो लंदन कभी नहीं आएगी, और खासकर इसके लिए सवाल ही नहीं उठता। अरे मम्मी, फिर तुम अपने बेटे को जानती नहीं हो। लंदन क्या, जहाँ मैं कहूँगा वो वहाँ आएगी। एक बार मिलने तो दो उससे, फिर देखते हैं वो अपने बाप की बेटी बनकर रहती है या मेरी महबूबा। पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा इस साल तो पार्टी हो ही जाए पापा। नहीं बेटे, हर साल की तरह इस साल भी कोई पार्टी नहीं। पापा, आप मेरा जन्मदिन नहीं मना सकते क्योंकि उस दिन मम्मी इस दुनिया से चल बसी, लेकिन आप अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकता। प्लीज पापा। देखो बेटे, जिद मत करो। ओके पापा, लेकिन हमेशा की तरह आप और मैं कहीं बाहर तो जा सकते हैं। लेकिन बेटे, मेरे सारे दोस्त बिजनेसमैन हैं, हाँ? जब तक उन्हें इनविटेशन ना दो उन्हें कोई बात याद नहीं रहती। अरे और तो और, जब इस मोड़ पर अब हम रुके, अब के पीछे। कृष्णा, तुम बंबई में? कल ही आई हूँ। इस होटल में लॉबी मैनेजर की जगह खाली थी, आज ही मुझे अपॉइंटमेंट मिली है। कांग्रेचुलेशंस, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इतने सालों बाद अचानक। इतने साल नहीं, पूरे 18 साल के बाद मिल रहे हैं हम, और वो भी इतने शुभ दिन पर। हैप्पी बर्थडे कुमार। थैंक यू। बेटे, ये तृष्णा जी हैं, ये मेरी बेटी। बहुत प्यारी बेटी है। और सुनाओ तृष्णा, कैसी हो? भाई हमें तुमसे बहुत शिकायत है, शादी पे नहीं बुलाया। शादी? छोड़ो कुमार, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बेटे तुम खाने का ऑर्डर दो, मैं अभी आता हूँ। जी। ये तुमने क्या किया तृष्णा? तुम्ही ने तो कहा था कि ये सब तुम भूल जाओगी। कहा था और कोशिश भी की थी, लेकिन भूल नहीं सकी। और जिंदगी के 18 साल एक याद के सहारे काट लिए। शायद माथे पे लिखी हुई तकदीर और दिलों में बसी हुई तस्वीर को बदलना नामुमकिन होता है। लेकिन कृष्णा, इट्स ऑल राइट कुमार, आज तुम्हारा जन्मदिन है। चीयर अप।
मैं आपके घर पहली बार आई हूँ, वो भी बिन बुलाए। आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज नहीं बेटी, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि तुम मुझसे मिलने आई। आओ अंदर आओ। बोलो कैसे आना हुआ? बस यूं ही। अच्छा घर है आपका, इस घर में आपके सिवा और कौन कौन है? मैं हूँ और तुम हो। इसका मतलब शादी नहीं की आपने? हाँ नहीं की। क्यों? बस ऐसे ही नहीं की। कोई तो वजह होगी। सुना है इंसान दो ही सूरतों में शादी नहीं करता, या तो उसे कोई ऐसा इंसान ही ना मिला हो जो उसे जचा हो, और या फिर जो उसे जच गया हो वो मिल ना पाया हो। शायद यही सच है। कौन सा वाला? कोई जचा नहीं या जो जच गया था वो मिला नहीं? छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं आपके हाथों की बनी चाय जरूर पीऊंगी, मगर पहले एक बात तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि कल मेरे पापा की सालगिरह थी? बेटे वो शहर के इतने बड़े आदमी हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। मुझे क्या, हजारों को पता होगा कि कल उनकी सालगिरह थी। जी नहीं, और किसी को पता नहीं था। पता था तो सिर्फ मुझे या आपको। मैं उनकी बेटी हूँ, और आप? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बेटी। मैं क्या हो सकती हूँ? एक हल्की सी पुरानी जान पहचान थी, इसलिए मुबारकबाद देके चली आई। पापा का जन्मदिन तो हर साल आता है, मगर आप पहली बार उन्हें मुबारकबाद देने आई? पहली बार इस मौके पर मैं यहाँ थी। सालों पहले मैं दार्जिलिंग चली गई थी मेरी माँ को सैनिटोरियम में भर्ती करने, और फिर वहाँ नौकरी मिल गई, और अब 18 साल के बाद दोबारा इस शहर में लौटी हूँ। ओह, तो आपने 18 साल पहले ही ये शहर छोड़ दिया था। पापा की शादी भी तो 18 साल पहले हुई थी। हाँ, फिर तो आप शादी में भी आई होंगी। कॉलेज के सारे लड़के लड़कियाँ आए थे। ओह, तो आप उसी कॉलेज में पढ़ती थी, फिर तो आप मेरी मम्मी को भी जानती होंगी। बोली ना, आप मम्मी को जानती थी? हाँ जानती थी, मेरे साथ ही तो पढ़ती थी कॉलेज में। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लाखों में एक थी तुम्हारी मम्मी। तुम्हारे पापा के साथ बहुत दोस्ती थी। शादी से पहले सब यही सोचते थे कि दोनों में सिर्फ दोस्ती है। किसी को पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुम्हारी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पता तो उस दिन चला जब दोनों की शादी तय हुई। मुझे ही तो सबसे पहले आकर खुशखबरी सुनाई थी तुम्हारे पापा ने। कितने खुश थे वो तुम्हारी मम्मी को पाकर। मैंने तो अपनी मम्मी को बहुत पहले ही खो दिया, कभी देखा भी नहीं। मुझे जन्म देते ही वो चल बसी, मगर पापा ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी इतनी देखभाल की, मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे अपनी मम्मी की याद भी नहीं आई। आप पहली औरत हैं जिसमें मुझे अपनी मम्मी का चेहरा नजर आया। कल आप जब पापा से बातें कर रही थी तो मुझे लगा जैसे आप सचमुच मेरी मम्मी हो। जो बात 18 साल पहले नहीं हो सकी वो आज हो सकती है। कौन सी बात? आदमी तपस्या करे और उसे फल ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? 18 साल की तपस्या कोई मामूली चीज नहीं होती। 14 साल के वनवास पर रामायण लिखी जा सकती है, तो आपको 18 साल की साधना के बाद एक खुशी भी नहीं मिल सकती? नहीं बेटी, तुम जो सोच रही हो वो नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो अच्छा ही है ना, आपके लिए, मेरे लिए, पापा के लिए। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्योंकि दी हुई कसम के बंधन से निकलना इतना आसान नहीं। तुम्हारी मम्मी ने मरते वक्त मुझसे कसम ली थी कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। हाँ यह सच है कि अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है, मेरे करीब है।
बेटे अपने पापा से ऐसी कोई इज्जत मत करना जिसे वो पूरी ना कर सके, वरना वो टूट जाएगा, मर जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे नहीं पता था आप आज भी मम्मी से इतना प्यार करते हैं। आई एम सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी। देखो मम्मी, कुल अंकल। हेलो जी। कुल अंकल कैसे हो? फाइन सर। हेलो, कैसी हो? कैसे ढूंढ रहे हो? कुमार साहब नहीं है? नहीं, आना था क्या? लो, इसका मतलब आपने बताया नहीं कि हमारे कुल, मैं बताती हूँ, हम यहाँ प्रिया के लिए ही आए हैं। अजय से उसकी शादी की बात कर रहे हैं, ये तो दिन रात उसकी तस्वीर जेब में लिए घूमता है। बरखुरदार, प्रिया की तस्वीर को जेब में रखना बहुत आसान है, पर उसे दिल में बसाना बहुत मुश्किल है। मैंने भी इसे लंदन में यही कहा था। मम्मी आप भूल रही है कि मैंने आपसे लंदन में कहा था कि इस मुश्किलात में ट्विस्ट लाकर इसे आसान कर दूंगा। चले, ऑल द बेस्ट। थैंक यू लेट्स गो। अंकल, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी मैं अजय। अजय, अरे अरे, जीत रहो जीत रहो। कब आना हुआ? जी आज सुबह। अनु भी आई साथ में? ओह वेरी गुड, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। चलो भाई, नाइस भाई, स्मार्ट, वेरी गुड। थैंक यू सर। ये क्या? सबो आओ, कम कम सिट डाउन, बैठो बैठो। सर ये प्लेट लिस्ट। अच्छा, और सुना कैसे हो? क्या हाल है लंदन के? सब ठीक है सर। बिजनेस कैसे चल रहा? मैनचेस्टर में फैक्ट्री डाल दिए, अच्छा चल रहा सर। इसका मतलब है कि पैसे कमा रहे हो? जी अंकल, प्रिया कैसी है? वो उसकी सहेली की बर्थडे पार्टी है, वहां डिनर के लिए गई है, लेट आएगी। कमाल है, मैं सात समंदर दूर से आया हूँ और यहाँ इनके दर्शन ही नहीं हो रहे। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। हेलो, आज सुबह सुबह किसकी सूरत देख के निकली थी? हेलो प्रिया, नाम भी पता करके आया है, देखती हूँ इसको भी। लगता तुमने मुझे पहचाना नहीं, नहीं। पहचाना क्यों नहीं, अच्छी तरह पहचाना। अगर तुमने मुझे पहचाना होता तो तुम मुझसे बात करती, मेरी खैरियत पूछती। पूछूंगी, खैरियत भी पूछूंगी, मगर थोड़ा आगे चलकर। आगे चलकर? हाँ, मेरी एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी, मैं रोज वहाँ तक दौड़ती हूँ, तुम भी मेरे साथ वहाँ तक चलो। आगे तुम चलो, मैं अभी जाता हूँ, चलो। गाड़ी यहीं पार्क कर दो और मेरे साथ आ जाओ। ओके, व्हाटएवर यू से, जॉब बोले। आइए। इतनी देर कहाँ लगा दी? बताती हूँ, पहले इस लफंगे से तो निपट लो। लफंगा? मुझे कहा आपने? जी हाँ, तुम लफंगे ही नहीं, लुच्चे भी हो, बदमाश भी हो, लेकिन तुम जैसे लोगों से निपटना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे आप? वो तुम्हें मैं नहीं, जग्गू बताएगा। अजी, जग्गू बागू की धमकी किसी और को दीजिएगा, मैं किसी से डरता नहीं। बुलाइए इसे, बुलाइए इसे, बुलाइए। अच्छा। जग्गू? आपका जग्गू ये है? जी हाँ, यही जग्गू है, और अब ये तुम्हारा वो हाल करेगा कि आज के बाद तुम लड़कियों को छेड़ना भूल जाओगे। जग्गू वही रहने दीजिए, वही रहने दीजिए। अच्छा। वही रहने दीजिए। तुम जैसे लड़कों ने लड़कियों का अकेला निकलना मुश्किल कर रखा है। सड़कों पे जाओ तो छेड़ते हैं, बसों में जाओ तो छेड़ते हैं, ट्रेनों में जाओ तो छेड़ते हैं, थिएटरों में जाओ तो छेड़ते हैं। की कोशिश करो। पहचाना क्या? तुमने पहचाना नहीं मुझे? पहचाना क्या? अजय फ्रॉम लंदन। अजय जी नहीं, आपके लिए तो मैं लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, बदमाश हूँ। नहीं नहीं अजय, आई एम सो सॉरी। जी करता मार मार के तुम्हारा भुर्ता बना दूं। मुझे नहीं पहचाना तुमने मुझे। आई एम सो सॉरी अजय, चलो ना वहाँ चल के बैठते हैं। नहीं वहाँ तो खतरा है, पहले फुलतुर को वहाँ से निकालो। तेजल उसे जाने दो। कितने बरसों बाद देख रही हूँ तुम्हें, याद है जब तुम लंदन गए थे, मैं 10 साल की और तुम 12 साल के थे। तो क्या हुआ, अपनी फोटोज तो बराबर भेजता रहा हो ना, अभी साल भर पहले तो भेजी थी।
अजय, माय फ्रेंड तेजल। हेलो। लेकिन अजय, तुम्हारी फोटो में मुझे कहाँ थी? हाँ, तब नहीं थी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही? कहो तो निकाल दूँ। नहीं नहीं, रहने दो, अच्छी लगती है। सली। और सुनाओ, ये अचानक इंडिया कैसे आना हुआ? शादी करने आया। रियली? कोई लड़की वड़की देख रखी है क्या? हाँ, देख तो रखी। बात हो गई इसके साथ? तो फिर कर लो ना, कब करोगे? कर लूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम्हारे दिल में तो उतर जाऊं। सच कह रहा हूं मैं, एक मिनट में तीन राउंड मार सकता हूं। हाँ रियली? यकीन नहीं तो अभी देख लो ना। ये पकड़ो और टाइम नोट करना। रेडी, वन टू एंड थ्री। Hey, Bablu! No. अरे इसे क्या हो गया? क्या हुआ? No. क्या बात है? No, me, no. क्या हुआ? क्या बात है? स्विमिंग करने आए हो? हाँ। तो वहाँ से जाके जंप लगाओ ना। हाँ? मैं भी देखूँ कैसे स्विमिंग करते हो। वहाँ से? हाँ। अब ना, ये लो बॉल पकड़ो, मैं तो यही से स्विमिंग करूँगा। सीख रहा हूँ मैं, जाता हूँ। जाओ। जाता हूँ। रिया। अजय। कमाल करती हो तुम, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ हो। मैं जरा बबलू की स्विमिंग देख रही थी। बबलू? ये फुंतलू कौन है? मैं फुंतलू नहीं, बबलू हूँ। अरे तू बबलू है या डब्लू है, मुझे से क्या लेने देना। हाँ कमाल है, और तुम भी अजीब हो, इस पुत्र की स्विमिंग देखने आई हो और मैं वहाँ लेफ्ट राइट लगा हुआ। छह बड़ा टाइम नोट करने आई थी। ए खबरदार, जो प्रिया को मेरे सामने जाता तो। हाँ अबे ओ तोतले, तेरी तो। छोड़ो ना अजय, इसकी बातों का बुरा मत मानो, ही इज वेरी टची अबाउट मी। टची अबाउट यू? ये ले ले अपने बॉल से खेल ले अभी। हाँ खेलना तुम्हारे इसको। लोगो प्रिया, मेल को छोड़ के इसके साथ मत जाओ। बबलू मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा, ये मेरे दोस्त है, लंदन से आए हैं। लंदन से आए हैं, वापस भी जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे, पर मैं तो इधर ही रहूंगा, मेरे साथ स्विमिंग करो ना। कमाल है, कमाल। मुझे जाने दो, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। इस भूतुर का तुम स्विमिंग करोगी? 5 मिनट्स प्लीज। तो दुई तुम्हें तो दुई आइए मैम साहब, यहाँ बैठिए। उम्र तो आपकी शादी के लायक हो गई, लेकिन आपको खिलौनों से खेलने का शौक अब तक है। किस चीज से खेलेंगे आप? हाथी से या घोड़े से? नहीं 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 नहीं, आपको तो बंदर जैसे आदमी पसंद हैं। लीजिए खेलिए 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 खेलिए, लेकिन एक बात हमारी ध्यान से सुनिए मैम साहब, एक ना एक दिन इन जानवरों से दूर। मैं तो तुम्हारे पापा का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने अपने खंडाला के गेस्ट हाउस में हमें पिकनिक मनाने की इजाजत दी। क्यों ना देते, तुम कोई गैर तो नहीं हो। कितना अपना हो यही तो देखना है।
प्रिया स्विमिंग हो गई क्या? मुझे नहीं करनी स्विमिंग, पानी बहुत ठंडा है। अरे अरे एक मिनट रुको तो सही, रात को क्या कर रही तुम? रात को क्या करना है, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अरे अरे ऐसी खूबसूरत जगह आकर कोई सोता है क्या? देखो ना चांदनी रात में पहाड़ों के बीच में ठंडे पानी के पास बैठकर बातें करने में कितना मजा आएगा। आता होगा पर ये मजा लेने के लिए आधी रात तक जागेगा कौन? अरे जागना कौन सा मुश्किल है, मेरे बारे में सोचते रहना, नींद नहीं आएगी। अरे तुम मेरी नींद के बारे में जानते नहीं हो, ये तो ऐसी है कि एक बार लग गई तो फिर सुबह ही खुलेगी। हाँ ऐसा गजब मत करना, मैं इंतजार करूंगा। चांस की बात है, वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी। ठीक है तुम कोशिश करना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। अब देखते हैं कि तुम्हारी नींद ज्यादा खराब है या मेरी किस्मत। सुते सुते रात सोई जाग गया है कोई, सुते सुते रात सोई जाग गया है कोई, मैं अकेला इस जमीन पर आसमां पर, चांदनी है कोई कोई सोते सोते रात सोई जाग गया है कोई। जो ढूंढने निकले थे खो गए, जो आए नींद उड़ाने सो गए, हो जो ढूंढने निकले थे खो गए, जो आए नींद उड़ाने सो गए, नींद से वो जाग जाए पास आए, जिंदगी है कोई कोई सुते सुते रात सोई जाग गया है कोई, सुते सुते रात सोई जाग गया है कोई। सुते सुते रात सोई जाग गया है कोई। जो खड़ी टूटे न ये
मोहब्बत की लड़ी। सुख सुतेरा सोई जाग गया है कोई, हमने अकेले इस जमीन पर आसमां पर चांदनी है कोई कोई, सुख सुतेरा सोई जाग गया है कोई, सुते सुते रात सोई जाग गया है कोई, सुते सुते रात सोई जाग गया है कोई। ये सिर्फ शगुन की थाली नहीं है भाई साहब, हमारा सपना है। बड़ी उम्मीद से आपके पास रिश्ता मांगने आए हैं, निराश मत कीजिएगा। इस रिश्ते के लिए अजय मुझे सात समंदर दूर से यहां लाया है। इसी बात का तो डर है अनु, अपनी बेटी को मैंने एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया। उसी बेटी को शादी के बाद तुम सात समंदर पार ले जाओगी तो मेरा नहीं भाई साहब, हम आपकी बच्ची को आपसे दूर नहीं ले जाएंगे। रिश्ता मांगने से पहले ही इस बात पर सोच चुके हैं हम, अजय से भी बात हो चुकी, हम लोग यही सेटल हो जाएंगे। और फिर कुमार, अब अपनी जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने कब ये सांस बंद हो जाए। क्या ये अच्छा नहीं कि हम जीते जी अपने बच्चों का घर बसा हुआ देख लें। लो मुट्ठी भर सिक्के उठाकर मेरी बहन की झोली में डाल दो, ताकि इस रिश्ते की नजर उतार कर इन्हें गरीबों में बांट दिया जाए। हाँ कह दीजिए भाई साहब। अनु, बेटी भगवान का दिया हुआ वो वरदान है जिसकी कदर ससुराल वाले नहीं जानते। इस कलेजे के टुकड़े की कीमत उसके मां बाप ही जानते हैं। मेरी हां सुनकर तुम हमेशा उसके लिए मां ही रहना, सास ना बन जाना, क्योंकि सास ने माथे पर शिकन डालकर भी बहू को देख लिया तो उसका बाप मर जाएगा। नहीं भाई साहब, हम आपकी बेटी को बहू बनाकर जरूर ले जा रहे हैं, मगर रखेंगे बेटी बनाकर। हाँ, लो। अभी आप 24 घंटे हंसती रहेंगी यार, कमाल है। क्या तुम्हें मजा नहीं आया? मजा तो आया लेकिन अरे मतलब हंसते रहो। अरे आओ आओ, हेलो हेलो, कैसी हो? कैसे हो अजय? अरे इससे क्या हो गया? कॉमेडी पिक्चर देखे आ रही है, इतना हंस क्यों रही हो? आपको तो पता है पापा, जब मुझे हंसी आती तो फिर आती रहती है। शुक्र अंकल इसे कोई इमोशनल पिक्चर नहीं दिखाई, वरना रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती, और आप समझते कि मैंने कुछ कह दिया। अच्छा बैठो। नहीं समझ, चलता जा रहे हो? बाय। पापा हा? आज पिक्चर देख के बड़ा मजा आया। अच्छा, ये अजय कैसे लड़का है? अच्छा है पापा, बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद है? हाँ पसंद है, वो है ही इतना प्यारा। फिर तो दाद दो अपने पापा को। दाद किस बात की? दाद इस बात की कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अजय के साथ तय कर दी है। क्या शादी तय कर दी? क्या वो बेटे, आपने सोचा कैसे कि मैं शादी कर लूंगी? तुमने तो कहा कि अजय अच्छा लड़का है, तुम उसे पसंद करती हो। तो मैं कब मना करती हूँ कि अजय अच्छा लड़का नहीं है या मुझे पसंद नहीं है? सैकड़ों हजारों से अच्छा है वो, लेकिन सवाल अजय का या उसकी अच्छाइयों का नहीं है पापा, सवाल है मेरी शादी का, जो मैं करना ही नहीं चाहती। आपने सोचा भी कैसे कि आपकी बेटी आपको छोड़ के कहीं और चली जाएगी? बेटी बाप के घर जिंदगी भर थोड़ी रह सकती है, एक ना एक दिन शादी करके ससुराल जाना ही होता है, ये दुनिया की रीत है। और बेटे, दुनिया की रीत तो निभानी पड़ती है ना। आप भी रीति रिवाजों के गुलाम है पापा, आप तो मेरे आइडल पापा थे, आपको क्या हो गया कि आप मुझसे तंग आ गए हैं?
यहाँ मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आज से आपकी मेरी कट्टी कट्टी कट्टी। बेटे, प्रिया, अपने पापा से बात नहीं करोगी? प्रिया, गुस्से से बोलो, शिकायत से बोलो, लेकिन बोलो तो सही। क्या बोलूं? मेरा जरा सर उठना तो बर्दाश्त नहीं, चले थे मुझे अपने से अलग करने। मैं तुम्हें अपने से अलग कहां कर रहा हूं, तेरा मेरा साथ कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अब इस जिंदगी का क्या भरोसा? पता नहीं कब इन सांसों से नाता टूट जाए। पापा? हाँ बेटे, मौत को तो बहाना चाहिए, बुढ़ापे से बढ़कर कोई बहाना नहीं होता। पापा, आपकी बातों में मायूसी आई कहां से? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, फिर आपने मेरे सामने मेरे मुंह पर ये बात कही कैसे? अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मैं जिंदा रह सकती हूँ? नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। पापा, आपको जिंदा रहना है, आपको मेरे लिए जीना है, वादा कीजिए आप जिंदगी से कभी मायूस नहीं होंगे, वादा कीजिए पापा, वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ बेटे, वादा करता हूँ, तेरी सारी बातें मानूंगा, बस अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। प्लीज पापा, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। अरे कहाँ अलग कर रहा हूँ बेटे, कहाँ अलग कर रहा हूँ, तेरे मेरे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, ये कभी नहीं टूट सकता, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो तुझे मुझसे दूर नहीं रह जाएंगे, यहीं रखेंगे इसी शहर में, और हम यूं ही रोज मिलते रहा करेंगे। मान जा बेटे, मान जा, इस रिश्ते की जुबान दे चुके हैं तुम्हारे पापा। नहीं, पराई हो गई हो। कहिए, आज से तुम हमारी नहीं पराई हो गई हो। आज से तुम हमारी नहीं पराई हो चुकी हो। सारे रिश्ते नाते
I'm not the only one.
अरे मैम साहब, क्या सारी रात इसी तरह रोते रोते गुजार दोगी? देखो ना कितने प्यारे फूल हैं, तनाई है, बैकग्राउंड में शहनाई है। फिर सिस्की, सुहागरात का चैप्टर और इतना सैड सीन। देखो मैं शराफत से काम ले रहा हूं, वैसे ये सुहागरात का कार्यक्रम रोते रोते भी हो सकता है। अब ये बीच में कौन है? हेलो बेटे, मैं बोल रहा हूँ। अरे अंकल, सब खैरियत तो है ना? हाँ, क्या है कि प्रिया यहाँ से रोती हुई गई थी, अब तो वो ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास है। प्रिया, तुम्हारे पापा का फोन है। बेटा, प्रिया को मुझसे बहुत लगाव है, तुम उसे इतना प्यार देना कि वो मुझे भूल जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं उसे इतना प्यार करूंगा, उसे इतना प्यार करूंगा कि वो आपको क्या सारी दुनिया को भूल जाएगी। ये मैं नहीं, तुम्हारे पापा कह रहे हैं। प्रिया की फिक्र मत है, इसलिए नींद नहीं आई, सोचा फोन करके जरा तुमसे पूछ लूं कैसी है वो। अंकल, आप प्रिया के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा। अच्छा अंकल, अब रात काफी हो चुकी है, आप सो जाइए। ओके सर, गुड नाइट सर। सुना तुमने? प्रिया कहाँ चल गई? प्रिया, पापा, 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 क्या हुआ? पापा, पापा, क्या बात है बेटी? किसी के साथ शादी के साथ फेरे लगवा कर आप मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहते हैं? ये तो क्या कह रही है? तो फिर आपने जैसे फोन पे ये क्यों कहा कि मुझे इतना प्यार दे कि मैं आपको भूल जाऊं? मैं आपको कभी नहीं भूल सकती पापा, कभी नहीं भूल सकती। मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं ये बात फिर कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, मायके में जो सुख तुम्हें मिले हैं उन्हें उतना ही याद रखना, जिन्हें याद रखने में ससुराल की जिम्मेदारी ना भूल जाओ। हाँ? अच्छा बेटे, चलो मैं तुम्हें छुड़ाऊं, तुम्हारे यहाँ इस तरह चले आने से न जाने वो लोग कितने परेशान होंगे। मैं पूछता हूँ, तूने उससे ऐसा क्या कहा कि वो यहाँ से चली गई? मैंने उससे कुछ नहीं कहा अंकल, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कहाँ गई है और क्यों गई है। तू कहना चाहता है कि वो पागल है जो बिना बात के चली गई? बात कुछ भी हुई हो पुल, लेकिन सुहागरात को बहू घर छोड़कर चली जाए, आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ऐसा, इसीलिए कहता हूँ इस कमबख्त ने जरूर कोई ऐसी बात की है जो बच्ची के दिल को लग गई। मैंने बताया अंकल, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो जब से आई तब से रोए जा रही थी, बीच में कुमार साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि उसे इतना प्यार दो कि मुझे भूल जाए। मैंने बात प्रिया से कह दी, फोन नीचे रखा रहो, गायब नहीं होगी तो और क्या होगा। एक तो कुमार को ऐसी बेवकूफी की बात नहीं कहनी चाहिए थी, और फिर तुझे क्या पड़ी थी कि वो बात प्रिया को बता दे। पर अंकल, चल मेरे साथ, मुझे मालूम है वो कहां गई होगी, चल। ये लो, बोल। अजय, अजय, मैंने तुमसे फोन पर कहा था ना कि इसे इतना प्यार देना कि ये मुझे भूल जाए, बस इसी बात पर इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अनु, इसे खुद नहीं मालूम कि इससे क्या हरकत हो गई है, नादान है इसे, इसे माफ कर दो और अपने गले से लगा लो। आओ बेटी, आओ। तुम भी कमाल हो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी तो मुझसे कह दिया होता ना, अपने पापा के बजाने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारी नहीं, पापा की बात बुरी लगी थी, इसलिए झगड़ा करने चली गई। तो झगड़ा करने कल चली जाती, कल गुस्सा कम हो जाता, और अगर आज मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं तुम्हें प्यार से मना लेती। यही तो चाहिए था, इसी का तो इंतजार है। Thank you.
जल्दी आओ ना, देखो कितना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। वाओ, दैट्स नाइस, ब्यूटीफुल, लवली, इजंट इट? हम चले बाहर घूमने। अरे पगली, ऐसे हैवी स्नोफॉल में बाहर कौन घूमने जाता है? जाता क्यों नहीं, वो देखो छोटा सा बच्चा घूम रहा है। वो घूम थोड़ी रहा है, देखो बचने के लिए भाग रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाना है बाहर, प्लीज। नहीं अभी बाहर नहीं। हाँ, प्लीज प्लीज चलो ना। हा? चलो ना, चलो। Thank you.
नहीं मेरे प्रीत की जिंदगी जी उठी, हर खुशी मैंने जीत ली, मैंने जीत ली। बड़ी शोभलीश है अपनी खूबसूरत वाड़ी में, इतना खूबसूरत फूल किसी और की बाहों में। शाली अपने किस्मत में ठंडी सांसें लिखी है और ये लोग खूब मौज उड़ा रहे हैं। चलो ना। चल चाल देख रहे छोरी की? अरे छोरी की चाल क्या, मैं तो छोरी के गाल बाल सब देख रहा हूँ। शालीम चीज है शाली। छोड़ो अजय, क्यों मुंह लगते हैं उनके? अरे ये मुंह नहीं लगता तो क्या हुआ मेरी जान, तू मेरे गले लग जा। चल अजय, तुम ठीक हो ना? कमल को कमान Ha 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 ha
बड़ी शोभलिश बड़ी शोभिश अजय प्रिया क्या बात है अजय बाहर बाहर कोई है वही पहाड़ी लड़के हाथ में मशाल लेकर तुम्हें तुमने कोई सपना देखा है चलो सोचो बाहर कोई नहीं है नहीं अजय वो लोग बाहर है हैं चलो देखते हैं देखा ना तुम खामखा डर गई हो सुबह जरा सा झगड़ा क्या हुआ वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया हाँ ए क्या हुआ कल हम यहां से वापस चलेंगे लेकिन क्यों प्रिया प्लीज अजय मैं अब और यहां पर रहना नहीं चाहती मेरा दिल घबरा रहा है प्लीज ओके चलो सो जाओ पापा प्रिया पापा हेलो कैसी मेरी रानी बेटी मैं ठीक हूँ पापा आप कैसे अरे मैं ठीक हूँ अजय कब आना हुआ आज ही है अंकल घर पहुंचते प्रिया जिद करने लग गई कि पापा को देखे काफी दिन हो गए हमने सोचा मिल लेंगे बस सामान रखते आ गए अच्छा ही किया पापा हा? आप खाना ठीक से नहीं खाते ठीक से नहीं खाते ठीक से तो खाता हूँ फिर इतने दुबले क्यों लग रहे हैं दुबला अरे मैं तो मोटा हो गया हूँ अब देखिए मैं आपका कैसे ख्याल रखूंगी अजय मैं पापा के पास रहूं अरे नहीं बेटे अच्छा नहीं लगता साथ साथ आयो साथ ही जाना अच्छा अच्छा चली जाती हूँ मैं यहाँ आपको बुरी लगती हूँ ना चलो अजय अरे डोंट बी सिली अंकल मजाक कर रहे हैं तुम आज यहीं रुक जाओ वाह जिसे रोकना है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे अच्छा अच्छा बहुत ड्रामा हो गया आजा आजा बहू को देखने फिर कभी आ जाएंगे बैठी बैठी लगता है बहू आ गई अरे माँ बेटे बहू कहाँ है अपने घर कहने लगी आज मैं अपने पापा के साथ रह जाती हूँ अच्छा अच्छा वो क्या हुआ कि बहू कई दिनों के बाद पापा से मिलने गई थी ना तो उसके पापा ने जिद की और अजय उसको वहीं छोड़कर आ गया कोई बात नहीं मिसेस मेरा बहू बाप के पास नहीं रहेगी तो फिर किसके पास रहेगी दरअसल गलती हमारी ही है हमें टेलीफोन करके आना चाहिए था अजय बहू को साथ लेकर क्यों नहीं आया कहा ना माँ उसने कहा कि आज मैं अपने पापा के साथ रहूंगी तो रह गई उसने कहा और तुम छोड़ आए तो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ अब उसका घर ये है या वो जब से शादी हुई है एक दिन भी उसने इस घर को अपना घर नहीं समझा इस घर के लिए भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जहां जिंदगी बितानी उसे जब भी कोई बहू को देखने आता है तो मुझे यही कहना पड़ता छोड़ो ना माँ क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रही हूँ छोटी सी बात आज तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी लेकिन बाप बेटी का रिश्ता जब किसी दिन तुम्हारी आंखों में कांटा बनकर चुभेगा ना तब पता चलेगा तुम्हें बाप बेटी का ये जरूरत से ज्यादा प्यार एक दिन अजय और बहू के बीच दीवार खड़ी कर देगा मैं इस दीवार को बनने से पहले ही गिरा देना चाहती हूँ कुल इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि बहू को अपने साथ लेकर लंदन चली जाऊं तुम कहो तो हम दोनों कुमार भाई साहब से बात कर लेते हैं किस मुंह से कहेंगे कि तुम प्रिया को लंदन ले जा रही हो शादी से पहले तुमने क्यों कहा था कि तुम यहीं सेटल हो जाओगी तुमने कुमार से वादा क्यों किया था कि तुम प्रिया को उससे कभी दूर नहीं ले जाओगी एक वादा तोड़ने से दो घर टूटने से बच जाए तो उस वादे का तोड़ देना अच्छा है वो हमारे साथ लंदन चली जाएगी तो फिर उसका पापा के घर आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा फिर बच्चे हो जाएंगे और बच्चे हो जाए तो इंसान अपने माँ बाप की आवाज भी रोते हुए बच्चे के आंसू पोंछकर सुनता है देखो नु रिश्ते बनाने में बरसों लगते हैं और उन्हें तोड़ने में जरा वक्त भी नहीं लगता सोच समझ के कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे प्रिया का उसके पापा से मिलना कम हो जाए और इस बात का कुमार को भी बुरा ना लगे मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया है कुल
इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अजय को यह महसूस हो कि उसने प्रिया को बीवी बनाकर गलती की है, उससे पहले मैं ही कुछ देर के लिए उसकी सास बन जाऊं तो अच्छा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अचानक लंदन जाने का ख्याल कैसे पैदा हो गया आपके दिल में? देखिए, शादी से पहले मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी बेटी से और मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं रह सकते, नहीं रह सकते अलग। और आप लोगों ने वादा भी किया था कि आप लोग यहीं सेटल हो जाएंगे, और फिर ये अचानक लंदन जाने की बात। वो वादा कहाँ तोड़ रहे हैं भाई साहब? कोई हमेशा के लिए थोड़ी दूर ले जा रहा है आपकी बेटी को। यहीं सेटल होना है हमें। अजय को बिजनेस भी यहीं स्टार्ट करवाना है, लेकिन बिजनेस समेटने के लिए एक बार तो वहाँ जाना पड़ेगा, वरना लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान हो जाएगा? 25 लाख 50 लाख मैं भरूंगा। अजय यहाँ जो भी कारोबार करना चाहेगा मैं करवा दूंगा। रुपए पैसों की इतनी कमी हमारे पास भी नहीं है भाई साहब। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अजय को नया कारोबार शुरू करने की जरूरत ही क्या है। मेरा अपना जो इतना बड़ा कारोबार है उसे संभाले, यहीं रहे। तो आप मेरे बेटे को घरदामाद बनाना चाहते हैं? भाई साहब आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? वहाँ जाकर सब ठीक करके वापस आ जाएंगे। साल दो साल की तो बात है। दिल को तसल्ली देने वाली बात है अनु। साल दो साल परदेश में रहने के बाद फिर कौन लौट के आता है? देखिए भाई साहब, ऐसी मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए। यह जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊं। ये सब क्या हो रहा है? किसको देखते हैं डॉक्टर? प्रिया को। क्या हुआ प्रिया को? मुबारक हो, प्रिया मां बनने वाली है। मां? मां? Really? Thanks. You're so sweet, doctor. So sweet. Priya! Priya! Yoo-hoo! Woo-hoo-hoo-hoo! Priya! Yoo-hoo! हाँ, बाप बनने वाला है और बच्चों जैसा कर रहा है। कमाल करती हो। सुनानी माँ ने क्या कहा? अरे अब तुम माँ बनने वाली हो, ये शर्माना वर्माना क्यों? हाँ, खोलो। कुची 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 कुची। भगवान तुम्हारी गोद भरी रखे, तुम्हें चांद सा बेटा दे। यूं समझो मिसेस सक्सेना कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली, मेरी बहू को बेटा ही होने वाला है। ये कैसे कह सकते हैं आप मिसेस मेरा? इसलिए कि जो बात 6 पुश्तों से सच होती आ रही है वो 7वीं बार भी गलत नहीं होगी। 6 पुश्तों से कौन सी बात मम्मी? बहू, बरसों से अजय के खानदान के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। इस खानदान में कभी कोई औलाद नहीं बचती थी, पैदा होते ही मर जाती थी। न जाने कौन सा श्राप लगा हुआ था। बहुत मन्नतें मांगी उन लोगों ने, बड़े बड़े पीर फकीरों के वहां गए, कितनी मस्जिद मंदिरों के चक्कर काटे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा पैदा होता और मर जाता। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर सब तीर्थस्थानों के दर्शन करके वो लोग वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में रात एक फकीर बाबा की कुटिया में गुजारनी पड़ी। उस दिन बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने बाबा की काफी सेवा की। बाबा ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे घर एक बेटा होगा, वो जवान होगा, उसके घर भी एक बेटा पैदा होगा और ये सिलसिला 7 पुश्तों तक चलता रहेगा। कम ऑन मिसेस मेहरा, आप लंदन में रहते हुए भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हैं? अजय भी मुझसे यही कहता है, मगर क्यों ना करूं, बात सच निकलती गई इसलिए विश्वास भी बढ़ता गया। मगर बहू, अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुम्हारे इस बेटे के साथ ही ये इकलौते बेटे होने का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। इस खानदान के 7वें बेटे को 7 बेटे होंगे, यही बरसों पुरानी भविष्यवाणी है उस बाबा की। इस खानदान के लिए अब सबसे बड़ी कीमती चीज है तुम्हारा ये होने वाला बेटा। रिया। अजय, ये तुमने पीछे क्या छुपा रखा है? पहले तुम बताओ कि तुमने यहाँ क्या छुपाया है? मेरे लिए लड़का या लड़की? कितनी बार कहा है मेरे पेट पे हाथ मत फेरा करो। लेकिन मैं तो अपने होने वाले बच्चे से प्यार कर रहा हूँ। एक बार हो जाने दो, फिर 24 घंटे प्यार करते रहना। अच्छा बताओ क्या लाया? पहले अपनी आंखें बंद करो।
ओहो, ये क्या कर रहे हो? कुछ लाए भी हो या ऐसे ही? लाया हूँ, लेकिन अपनी आंखें तो बंद करो। फिर कोई बदमाशी नहीं करोगे? प्रॉमिस? प्रिया बेटे। पापा? अरे कहाँ सब लोग? अब वो सामान वो हमारे। प्रिया बेटे। अरे 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 संभल के बेटे संभल के। मुबारक हो बेटे। ये लो ये लो ये लो। अरे बेटे, खुशी के मारे मेरे तो पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे। जब से मैंने सुना मैं नाना बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आ जाएगा? ऊपर है। ऊपर ऊपर क्या कर रहा है? अच्छा, अरे कहाँ हो भाई, शर्मा रहे हो क्या? बहू, कौन आया है? पापा आए हैं। Hey, Ajay, it's good to be a father. मुबारक हो, congratulations Ajay. देखना Ajay, चारों तरफ खुशियों के फूल ही फूल खिल उठेंगे जब वो नया मेहमान प्यार से पापा कहकर पुकारेगा. क्यों नहीं? औलाद का सारा प्यार, सारी खुशियां बाप को ही तो मिलती है. बाप से बढ़कर दूसरा रिश्ता है ही क्या? बाप तो आखिर बाप होता है. Correct. बाप बनने का नशा ही कुछ और होता है. सच कहा आपने, बाप बनने का नशा ही कुछ और होता है. बस ऊपर वाले से इतनी दुआ करूंगा कि ये नशा मुझ पर इतना ना चढ़े कि कहीं किसी की अरमान टूटे और मुझे पता भी ना चले. अजय भाई साहब, बातें तो फिर भी होती रहेंगी. चलिए पहले मुंह मीठा कर लीजिए. दो, क्या हुआ? मुंह क्यों फूला हुआ है? नहीं तो? तो फिर इतने खामोश क्यों हो? 24 घंटे आदमी बात करता रहे, क्या जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है. तुम्हारे लिए, अच्छे लगते हो. अब जल्दी से मुस्कुराओ और चल के नाश्ता कर लो. मैं नाश्ता नहीं करूंगा. अरे मगर सुनो तो, ये क्या बात हुई, नाश्ता नहीं करोगे? देखो, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे देर हो रही है. ओहो, तो जनाब इतने कामकाजी हो गए हैं. चुपचाप नाश्ता कर लो, वरना किसी मीटिंग में नहीं जाने दूंगी, समझे? प्रिया प्लीज, हमेशा जिद मत किया करो. मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उनके साथ चली जाना. कहाँ? तुम जानती हो कि मम्मी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, और ये भी जानती हो कि मैंने लंदन में बहुत इलाज करवाया, शायद देसी इलाज से फायदा हो. आज देहरादून से डॉक्टर योगराज आ रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए. मम्मी को ले जाना और चेकअप करवा देना. हेलो. हेलो. हाय पापा. जरा अजय से बात करवाना. वो तो घर पे नहीं है पापा. क्यों? नहीं, ऐसे ही फोन किया था. कैसी हो? यहाँ तो सब ठीक है, पर लगता है आप ठीक नहीं है. नहीं नहीं बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप कुछ परेशान हैं. नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है. मेरे सर में दर्द हो रहा है. क्या? आपके सर में दर्द हो रहा है पापा? हाँ. कब से? पहले बताया क्यों नहीं? मैं भी आती हूँ. कोई जरूरत नहीं. नहीं नहीं, क्या जरूरत क्यों नहीं है? आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है क्या? मैं भी आती हूँ. अरे मामी, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं आज डॉक्टर के पास नहीं जा सकी. शायद ये चेकअप अब अगले महीने होगा. क्यों, आज क्या हुआ? कुमार भाई साहब का फोन आया था कि उनके सर में दर्द है और प्रिया वहां चली गई. Thank you.
कैसा है तुम्हारे पापा का सर दर्द? अब ठीक है, ये पापा भी बहुत बुरे हैं अजय। सर दर्द से बुरा हाल हो रहा था और मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता है पूरे 2 घंटे बैठ के सर दबाया तब जाके ठीक हुआ है। मम्मी का चेकअप करवा लिया? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई। आई एम सॉरी अजय, वो क्या हुआ के? मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था या तुम्हारा पापा के पास जाना? अजय तुम तो जानते हो कि पापा का मेरे सिवा और कोई नहीं है। उनके सरदर्द की खबर सुन के मैं इतना घबरा गई कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अजय सरदर्द से जान तो नहीं निकल जाती? अजय आदमी मर तो नहीं जाता? अजय तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर खबरदार जो कुछ उल्टा सीधा कहा मेरे पापा के। ये ब्लडी पापा पापा पापा, अपने पापा के नाम के माला अपने बाप के घर में जाके जपना। कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे पाप का नाम तक नहीं सुनना चाहता, समझी तुम? इतना जहर है तुम्हारे दिल में मेरे पापा के लिए? इतनी नफरत है तुम्हें उनसे? हाँ नफरत है, और ये नफरत की दीवार तुमने खड़ी की है। नरक बना के रख दिया मेरी जिंदगी को। अगर तुम अपने बाप के बिना नहीं रह सकती थी तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? किसने कहा था शादी करने के लिए, मैंने या तुमने? लंदन मैं नहीं गई थी, तुम आए थे लंदन से शादी करने के लिए। मेरे पापा तुम्हारे यहाँ नहीं आए थे, तुम्हारी मम्मी आई थी हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए। हाँ आई थी, क्योंकि मैंने उसे मजबूर किया था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे लिए पति नहीं एक गुड्डा चाहिए जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, तुम्हारा मन बहलाए। लेकिन माफ कीजिएगा मैम साहब, वो गुड्डा मैं नहीं। आज तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें पापा चाहिए या पति। टैक्सी मंगवा कर दोगे या तुम्हारा ड्राइवर छोड़ाएगा मुझे? मैं छोड़कर आऊंगा तुम्हें, तुम्हारे बाप के साथ तो बातें भी करनी है मुझे। लीजिए कुमार साहब, संभालिए अपने दूध पीती बच्ची को जिसे अपने पापा की गोद की जरूरत अब तक है। ये क्या हो रहा है? ये ठीक है, हम हाथ जोड़कर रिश्ता मांगने आए थे, लेकिन अब भिखारी नहीं है। नहीं बेटे, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि आपकी बेटी यही समझती है कि उसने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं इस एहसान का बोझ और नहीं उठा सकता, और जब तक आपकी बेटी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, अपने पति की अहमियत और उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, मैं उसे इस घर से नहीं ले जाने वाला। अजय मत रोकिए पापा, जाने दीजिए उसे। आप नहीं जानते आपके बारे में उसने क्या क्या कहा। मैं तब तक उसके घर नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद मुझसे माफी मांगने नहीं आए। प्रिया, उफ़ मम्मी, तुम चाहती हो तो सिजित के आगे मैं अपने घुटने देखूं, उसे अपनी गलती का एहसास हुए बिना उस घर ले आऊं? हाँ, इसलिए कि वो माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की जिद और झगड़े का असर किसी वजह से होने वाले बच्चे पर पड़े। कल तक तुम बहू को वापस लेकर नहीं आओगे तो परसों मुझे जाना पड़ेगा, समझे? अजय, बेटे जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने आया हूं। बेटे प्यार में झगड़े ही होते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच के झगड़े घर की चारदीवारी में ही खत्म हो जाए तो अच्छा है, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिलों में दूरियां नहीं होती और फासले बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बात आपने अपनी बेटी को नहीं समझाई? समझाई बेटे, लेकिन वो नादान है, पति पत्नी के रिश्ते को ठीक तरह से समझ पाती तो क्या उसे अपने साथ नहीं ले आता? जिद्दी है वो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ चलकर आपकी बेटी से माफी मांगू और उसे अपने घर ले आऊं। कमाल हो गया साहब, जो लड़की शादी की पहली रात अपनी सुहाग की सेज को छोड़कर चली जाए, उसके बाद सोते जागते उठते बैठते पापा 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 करती रहे, उसके लिए माफी मांगू मैं? और मैं जो अपना सारा बिजनेस लंदन में छोड़कर यहां बैठा हूं ताकि मेरी पत्नी आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने रहे, आप उसे देख सके और वो आपको देख सके, उसके लिए माफी मांगू मैं? अपने होने वाले बच्चे की खबर सुनकर अपनी बीवी के लिए अरमान भरा तोहफा लाऊं और आपके आने की एक आवाज से सब कुछ बिखर जाए, उसके लिए माफी मांगू मैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा,
कुमार साहब, आप भी कभी पति रह चुके हैं। आपकी ही पत्नी थी, उसने मरते वक्त आपसे कसम ली थी, उस कसम को पिछले 20 साल से निभा रहे हैं आप। अब आप ही बताइए, अगर आप दोनों में इतना प्यार ना होता, वो आपके बारे में सोचकर हमेशा अपने माँ बाप भाई बहनों में खोई रहती, तो क्या वही कसम आज तक निभा पाते आप? मैं भी चाहता हूं कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करे, वो अटूट बंधन हो हमारे बीच जो कोई ना तोड़ पाए। पति पत्नी से बड़ा रिश्ता ही क्या है इस दुनिया में? लड़की के हाथों में मेहंदी लगती है, अग्नि के गिर साथ फेरे लिए जाते हैं, तो एक तरह से लड़की चोला बदलती है। लेकिन यहां तो ऐसा हुआ, चोला तो बदल लिया उसने, लेकिन आत्मा वही की वही रह गई। इसमें दोष सिर्फ उसी का नहीं है, आपका भी है कुमार साहब। वो जानती है, वो अच्छा करे या बुरा, गलत करे या ठीक, होता अपने पापा के महल में लौट सकती है। अंधा प्यार किया है आपने अपनी बेटी से, जिससे उसकी सोच अंधी हो गई, उसका दिमाग अंधा हो गया। जाइए कुमार साहब, जाकर अपनी बेटी को समझाइए सुहाग क्या होता है, पति क्या होता है, और जिस दिन उसके समझ में आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। लेकिन भगवान के लिए मुझे और मत गिराइए। कब से आपका इंतजार कर रही हूं? पापा, अब नाराजगी छोड़ो और बात करो मुझसे। पहले डांट सुने फिर मनाए भी हम। पापा, गुस्से से बात करो, शिकायत से बात करो, मगर बात तो करो। पापा, पापा क्या लगा रखा है? पापा पापा क्या काम है? दोनों ने क्या काम है? क्यों सर पे खड़े हो मेरे? पापा खाना नहीं खाना है मुझे, भूख नहीं। क्यों पापा, आपने रात को भी कुछ नहीं खाया? रात दिन जैसे चिंता खाई जाती हो, उससे खाना खाया जाता है क्या? जिसकी बेटी अपना घर छोड़कर वापस आ जाए, उस बाप को सकती है क्या? अपना घर छोड़कर आ जाए? पापा, मैं तो अपने घर आई हूँ। अपने घर? क्या क्या ये मेरा घर नहीं है? शादी के बाद बेटी बाप के घर मेहमान की तरह होती है, और मेहमान जरूर से ज्यादा एक दिन भी रह जाए तो बोझ बन जाता है। बोझ? मैं आप पर बोझ हूँ पापा? आपने पहली बार अपनी बेटी से ऐसी बात की है, आप बदल गए हैं पापा। झगड़ा मैंने किया आपकी वजह से, अजय की डांट सुनी आपकी वजह से, इसलिए कि आपकी तबीयत पूछने चली आई थी मैं। तो क्या जरूरत है इस तरह रोज मेरे पास चले आने की? नहीं ना, मैं कभी कभी एक आध बार मिल लिया होता तो ठीक था, लेकिन रिश्ता भी इतना बढ़ाया जाए के? रिश्ता घटाया या बढ़ाया नहीं जाता, रिश्ता होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो तोड़ दो रिश्ता। आप चाहती हैं मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूं? तो ठीक है, अगर मैं आप पे इतना ही बोझ बन चुकी हूँ तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आप मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी। मत आना, मुझे मिले बगैर, मुझे देखे बगैर जी नहीं पाएंगे आप। जी लूंगा, तू जाए यहाँ से। मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप पापा। मैं कर लूंगा, तू जाए यहाँ से। अगर आप मुझे अपनी नजरों से दूर रखकर ही खुश हैं, तो फिर आपसे आपके इस घर से क्यों? मैं शहर से ही दूर चली जाती हूँ। शायद यही ठीक होगा। बस तसल्ली हो गई मेरी, मैं आपसे दूर चली जाऊं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लिया मैंने, मेरे सामने खड़े हुए इस आदमी में और मेरे पापा में कितना फर्क है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, चली जाती हूँ। Yeah,
beautiful place. Mom's invited you home. There's some friends coming over. She must come, okay? We'll definitely come. Oh, that's wonderful. How's your mom, Dad? They're very well, thank you. Give my love to them. Sure. Hello, Jen. How are you? Oh, hi. Really late. I must get going home. कमाल करते हो तुम लोग भी सुबह से गए हुए अब आए हो अरे शुक्र करो मम्मी के अभी वापस आ गए वरना इनके साथ शॉपिंग करना कोई मजाक की बात नहीं है ये खरीदारी तो कम करती है लेकिन देखती परखती कुछ ज्यादा ही है तुम लोग थक गए होंगे मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर अरे मैं कॉफी नहीं सिर्फ कोका कोला पीऊंगा वो मैं ले आती हूं ओके या गैरी हाय हाउ आर यू हां यार मैं भी बाहर गया हुआ था दो महीने के बाद आया हूं फ्रैंकफर्ट थोड़ा बिजनेस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सुन एक खुशखबरी अपने छोटे भाई के लिए वहां पर एक लड़की भी पसंद कर रहा हूँ हाँ तो फिर आजा शाम को अच्छा अपनी मेम साहब को साथ में लेके आया ना तो ठीक है फिर आजा साथ में दोनों कुछ लोग और भी आ रहे हैं अरे थोड़ा जश्न हो जाएगा और फिर साथ में रोटी शोटी और मैं क्या गुरबचन सिंह तुम चिंता ना करो असि आ जाएंगे रोटी शोटी भी खा लेंगे आहो शाम ही मिलते हैं ओके ओके बाय कोक लोकल कॉल था क्या मतलब मतलब तुम्हारे पापा का फोन नहीं था तो मुझे क्यों बता रहे हो मैं कौन सा उनके फोन का इंतजार करती रहती हूँ इंतजार नहीं तो जब भी फोन की घंटी बजती है तो चलते चलते तुम्हारे पांव क्यों रुक जाते हैं पांव क्यों रुक जाते हैं क्या सोचती रहती हो रोज किसी न किसी बात पे ताना मारते रहते हो पूरा एक महीना दस दिन हो गए आए हुए कभी मैंने अपने पापा को फोन किया कभी उन्हें एक लेटर तक भी लिखा मैंने नहीं लिखा ना ही तुमने खत लिखा और ना ही तुमने फोन किया पर इतना याद है कि एक महीना दस दिन हो गए Oh, Gary, what help, Gary? Hey, how are you, oh, ki hale putar? First class. Priya, my friend Gary. Hello. Gary, my wife. अरे यार तूने तो अच्छा खासा पंजाब बना दिया. अरे यार पंजाब बनाने में कौन सा वक्त लगता है? जहाँ पांच पंजाबी इकट्ठे हो जाएं, ढोलक आ जाए, नाच गाना हो जाए और पंगड़ा शंगड़ा हो जाए, वही पंजाब बन जाता. शाबाश. अरे दो चार मेमो को बुला लेता. अरे यार मैं तो बुलाना चाहता था लेकिन किरण बोली कान खोल कर सुन लो गुरबचन अगर पार्टी में एक भी मेम नजर आई तो उसके सामने मैं तुम्हारे कान खींच दूंगी हाय अजय हाउ आर यू फाइन हाउ आर यू प्रिया तुम्हें देखने से पहले ऐसा लगता था कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें अजय जैसा लड़का मिला लेकिन अजय प्रिया को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ज्यादा लकी तुम हो वाह क्या बात क्या तारीफ करने का अच्छा मुझे क्यों बुलाया था बेटे मैं ये कह रहा था कि एंजॉयमेंट ठीक चल रहा है ढोल की बात डांस भी ठीक हो रहा है अब खाने वगैरह के लिए जल्दी मत करना सब्जी तरकारी कच्ची रह जाती है ओके और सुनाओ लंदन में कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा अरे भाई किरण क्या बात है अरे सुनो तो बोलो क्या काम देखो यार हम लोग पी रहे हैं हमारे लिए कुछ खाने के लिए कुछ स्नैक्स कुछ तो लेकर आओ राइट अभी आपने मेरे बचपन की फोटो नहीं देखी हैंडसम ब्यूटीफुल चार लंबा मैं आपको अपने बचपन की फोटो दिखाता हूँ बेटे जरा पास होना जी पापा वो ऊपर पर्स पड़ा है उसमें मेरे बचपन की फोटो है वो जरा लेकर आना ओफो पापा आपने अपनी फोटोग्राफ सबको बताई नहीं है मगर इसलिए नहीं देखी बेटे पापा पार्टी चल रही है आपको अपनी तस्वीरों की पड़ी हुई है पार्टी तो चल ही रही है बाकी पार्टी को मैं संभालूंगा तो फोटो लेके आना बेटे हाँ लीजिए पापा थैंक यू गुड लक बेटे किरण तुम्हें कुछ लाने के लिए कहा था कब तक इंतजार करना पड़ेगा
वो क्या हुआ कि पापा ने मुझे अरे यार जब तुम्हारे पापा आ जाते हैं तो तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। कुछ मेरे गेस्ट का भी तो ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। सॉरी, इतना नाराज मत हो डार्लिंग, अभी इसी मिनट लेके आती हूँ। ओके थैंक यू। ये लो बस, जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो। सच प्रिया, इन्हें और पापा दोनों को बिल्कुल बच्चों की तरह संभालना पड़ता है मुझे। कुछ लोग इन बातों को कैसे संभाल लेते हैं। ऐसी ही बात पर मेरे घर में तो तूफान खड़ा हो गया था। हेलो हेलो प्रिया, बैठो ना। कहाँ खोई हुई थी? लंदन जैसे शहर में आके लोगों के पर निकलाते हैं, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम किसी पिंजरे में बंद हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चेहरा दिल की किताब होता है, जरूर कोई बात है। तुम खुश नजर नहीं आते। अजय जैसा पति मिला है और इतना अच्छा घर, ना खुश होने की क्या वजह हो सकती है? अपने पापा से पहली बार इतनी दूर आई हूं ना। मैं सब जानती हूं। प्रिया, उस दिन पार्टी पे भी तुम उदास थी। मैंने अजय से पूछा लेकिन उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं। बस इतना ही जान पाई हूं कि तुम अपने पापा से झगड़ा करके आई हो। देखो प्रिया, मुझे अपना समझो, खुलकर दिल की बात बताओ। तुम्हारी तरह मैं भी किसी की बेटी और किसी की पत्नी हूं, लेकिन हम दोनों के नसीब अलग अलग हैं। तुमसे तुम्हारे पति और पापा दोनों ही खुश हैं और मुझसे दोनों ही नाराज। अरे दोनों को खुश रखना कौन सी मुश्किल बात है, दोनों ही तो अपने हैं। अगर पापा नाराज हो जाए तो बच्चे की तरह अपना सर उनकी गोद में रखकर उन्हें मना लेना, और अगर पति नाराज हो जाए तो महबूबा बनकर उनका सर अपनी गोद में रख के उन्हें मना लेना। सो सिंपल। इतना आसान होता तो फिर इतनी मुश्किल क्यों होती? मुश्किल इसलिए हुई है कि पत्नी बनने के बाद भी तुम सिर्फ बेटी बनी रही। अपने पापा को चाहना कोई गुनाह तो नहीं है? कोई गुनाह नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जो बेटी अपने पापा से प्यार ना करे वो बहुत बदनसीब है। लेकिन प्रिया, जब औरत सुहागन हो जाती है तो उसका धर्म होता है कि अपने सुहाग से ज्यादा वो और किसे ना चाहे। पति और पापा दोनों खुश रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है रिश्तों को समझना। अगर रिश्ते समझ में आ जाए तो फूल से भी हल्के हैं, और समझ ना आए तो पहाड़ से भी भरे। आजकल के नौकर भी कितने लापरवाह हो गए हैं, सफाई नहीं करते। ये देखो ना, कितनी धूल जम गई थी तस्वीर पर। साफ कर रहा था। तुम सुनाओ, कितने दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई, कहां गायब हो गए थे तुम भाई? मैं जरा बिजनेस के सिलसिले में बिजी था। तभी मैं सोचूं कि कुल को आजकल क्या हो गया है, ना ही ऑफिस फोन करता है, ना ही क्लब में मुलाकात होती है, और ना ही घर आता है। वैसे काम में आदमी भूल ही जाता है। हाँ, काम में इंसान को बहुत कुछ याद नहीं रहता, पर कुमार क्या वो सब कुछ भूल जाता है? प्रिया, प्रिया क्या सोच रही हो? रिश्तों के बारे में। ये रिश्ते भी धागों की तरह होते हैं ना, बहुत नजदीक आ जाए
तो आपस में उलझ जाते हैं और फिर इन्हें सुलझाने के लिए दूर ले जाना पड़ता है। मैंने भी पापा के साथ अपना रिश्ता उलझा लिया था, ये दूरियां मेरी ही बनाई हुई तो है। काश मैंने इन सब रिश्तों को समझा होता और इन्हें प्यार से बुना होता। प्रिया, एक दिन के लिए भी पापा की आंखों से ओझल होती थी तो उनकी जान निकल जाती थी। मैं परदेश चली आई और मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने नहीं आए। 4 महीने ना कोई फोन ना कोई खत, मुझे सुखी देखने के लिए ना जाने कितने दुख झेल रहे होंगे वो। बहुत देर से समझी तुम प्रिया, ये सच है कि जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें ना तुम खुश रह सकी, ना तुम्हारे पापा, ना मैं और मेरी माँ। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपने पापा से उतना ही रिश्ता रखूंगी जितना दूसरी लड़कियां शादी के बाद रखती हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी जितना किसी पत्नी ने अपने पति को नहीं दिया होगा। लेकिन लेकिन क्या? मुझे एक बार पापा से मिला लो, सिर्फ एक बार। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। अगर मेरी जुदाई में उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज मुझे एक बार उनसे मिला दो। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, उन्हें तसल्ली देना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ अपने पति के साथ, अपने इस घर में। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा, मुझे एक बार उनके पास ले चलो। चलो, मुझे क्या एतराज होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। रिश्तों को समझे बगैर अपने पापा से लड़कर यहाँ आने के बजाय इस बार तुम उनका आशीर्वाद लेकर वापस आओगी। जाओ अपने पापा को फोन करो और कहो कि 2-1 रोज में हम हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। प्रिया, कैसे हो बेटे? पापा, पापा मैं जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। मैं तुम रो रही हो? रो क्यों नहीं हो बेटे? पापा मैं आपके पास आ रही हूँ पापा। हेलो 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 नहीं, मैं तुम्हें बहू को ले जाने की इजाजत नहीं दूंगी। मम्मी प्लीज, मैं ये नहीं चाहता कि दिल पर बोझ लिए यार है। अरे 4-6 दिन की तो बात है, अपने पापा से मिलकर वापस आ जाएगी। अजय, ये बैठे बिठाए क्या हो गया तुम लोगों को? जो तूफान इतनी मुश्किल से गुजरा है उसे फिर बुला रहे हो? इतने दिनों बाद अपने पापा से मिलेगी तो वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं मम्मी, वो वापस आ जाएगी। वो अब जान गई है कि पति क्या होता है, ससुराल क्या होता है, और जब वो सारे रिश्तों को समझ चुकी है तो मैं उसके और उसके पापा के बीच का तार तोड़ना नहीं चाहता। पापा? पापा? प्रिया बेटे, बोलो बेटे, क्यों फोन किया था? सब ठीक है ना? बोलो बेटे, वापस क्यों आना चाहती हो? झगड़ा हुआ अजय के साथ? बोलो ना प्रिया। हाँ हाँ, कौन बोल रही है? मैं पूछता हूँ, कौन बोल रही है? कौन उषा? कौन सा नंबर चाहिए आपको? नंबर कौन सा चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, ये गलत नंबर है, कहा ना। क्या हो भैया, क्या बात है? पापा को कुछ हुआ है अजय, उन्हें मेरी जरूरत है। ये तुम्हारे दिल का बहम है प्रिया, लगता तुमने कोई बुरा सपना देखा है। चलो सो जाओ। नहीं नहीं अजय, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी तो जान निकली जा रही है, लगता है जैसे उन्होंने मुझे आवाज दी।
हेलो 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 अजय, कुल बोल रहा हूँ। कुल अंकल, हाँ कहिए। बहुत बुरी खबर है, कुमार को हार्ट अटैक हो गया। क्या क्या हुआ अजय? कुछ नहीं, काम की बात हो रही है। हाँ जी अंकल, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हो तो सुनो, इसके जिम्मेदार तुम हो। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी माँ जो चाहती थी वो तो हो गया, प्रिया को तुम उसके पापा से दूर ले गए। फिर किस बात का झगड़ा है? उसने क्यों कहा कि वो वापस आना चाहती है? नहीं, वो तो खुद वो उसे फौरन लेकर यहां वापस चले आओ और अपनी मां से कहो देख लेने दे उसे अपने पापा को आखिरी बार। जी अच्छी बात है, हम कल मॉर्निंग फ्लाइट से आ जाएंगे। यस सर, बाय बाय। क्या कहा कुल अंकल ने? कुछ नहीं, ऐसे ही बिजनेस के सिलसिले में बात हो रही थी। शायद दो चार दिनों के लिए मुझे हिंदुस्तान जाना पड़े। हम तो वैसे जा ही रहे थे ना। झूठ बोल रहे हो तुम, ये बिजनेस कॉल नहीं थी तुम्हारी। तो फिर ये क्या कहा कुल अंकल ने मेरे पापा के बारे में? उफ़ो, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ मेरे पापा को? डैम इट, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पापा को। तुम्हें मेरी कसम, क्या हुआ है पापा को? तुम्हारे पापा को माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? पापा को हार्ट अटैक हुआ? मुझे पापा के पास ले चलो। पापा, 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 पापा ठीक है? मैं ठीक हूँ। पापा, आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? मैं ठीक हूँ, और क्या? आप कहाँ ठीक है? रात को फुल अंकल का फोन आया कि आपको हार्ट अटैक। अरे नहीं, रिया, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। हाँ, काफी नाजुक हालत है उसकी, ऐसे में बच्चा यहीं हो तो अच्छा होगा। ओफो, बाकी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। नहीं नहीं कुल, तुम जो ठीक समझो वही करो। मैं अजय को फोन करके कह दूंगी कि बहू को ऐसी हालत में यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जल्दी से जल्दी वहां आने की कोशिश करती हूँ। प्रिया को थोड़ी देर में होश आ जाएगा कुमार, लेकिन ख्याल रखना कुछ ज्यादा बातचीत ना करे, ज्यादा एक्साइटेड होना उसके लिए। क्या बात, साफ साफ बताओ ना। कुमार, प्रिया को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उसका असर सीधे उसकी डिलीवरी पर पड़ा। डिलीवरी ऑपरेशन सही होगी, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ, उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर, आप तो जानते हैं प्रिया का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और इस ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल में बहुत कम है। ऑपरेशन का मामला है, हमें और इंतजाम करके रखना चाहिए। मिस्टर अजय, डॉक्टर साहब, प्रिया कैसी है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हम माँ और बच्चे में से किसी एक ही को बचा सकते हैं। क्या? अब आप फैसला कर लीजिए कि हम किसे बचाएं, माँ को या बच्चे को। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों को बचा लें? दोनों को बचाना नामुमकिन है मिस्टर अजय, दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब आप जल्दी से फैसला कर लीजिए, इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दीजिए, तब तक मैं प्रिया को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाता हूं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, वेरी इमरजेंसी व्हाट? आप प्रिया से मिलने आई हैं? जी हाँ, वो मेरी बहू है। ओ, देखिए उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवाया जा रहा है। सब ठीक तो है ना? यू सी, देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन मैडम, माँ और बच्चे में से किसी एक ही को बचाया जा सकता है। क्या? अच्छा बेटे, मैं समझता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल की हालत क्या है। भगवान ने तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया, एक तरफ तुम्हारी पत्नी है और दूसरी तरफ तुम्हारा बच्चा।
अच्छा बेटे फैसला इसमें सोचने की क्या बात है, साफ जाहिर है कि प्रिया का बचना ज्यादा जरूरी है। भाई पत्नी होगी तो बच्चे तो और भी हो जाएंगे। चलो ठहरो अजय, ये क्या कर रहे हो? बगैर सोचे समझे सिग्नेचर कर रहे हो? मम्मी प्रिया बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ये... अजय ये मत भूलो कि ये बच्चा हमारे खानदान के लिए कितना जरूरी है। क्या बोल रही हो तुम? भाई साहब जिस तरह आपको अपनी बेटी से प्यार है उसी तरह मुझे भी अपना पोता प्यारा है। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बच जाए उसी तरह मैं भी चाहती मेरा पोता जिंदा रहे। आपकी बेटी मेरी भी बहू लगती है भाई साहब, मेरी कोई दुश्मन नहीं है। वो जिंदा रहेगी तो मुझे भी खुशी होगी, मगर उसकी जिंदगी के लिए अपने पोते की कुर्बानी नहीं दूंगी मैं। चाहे इसके लिए प्रिया क्यों ना मर जाए। जवाब दो, बोलो अनु बोलो, चाहे इसके लिए प्रिया क्यों ना खत्म हो जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अनु, प्रिया को मुझसे अलग। भाई साहब मैं मजबूर हूँ, हमारे खानदान के लिए इस बच्चे का जिंदा रहना प्रिया की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। वाह मम्मी वाह, मेरे सामने ये कह रही हो कि प्रिया का जिंदा रहना जरूरी नहीं, उसका जो मेरी बीवी है मेरी जिंदगी है, होने वाला बच्चा है मेरा खून है, उसकी मौत का गम सबसे ज्यादा मुझे होगा मम्मी, सबसे ज्यादा मुझे होगा। लेकिन लेकिन प्रिया को बचाने के लिए मैं ये गम बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनु याद है, याद है शादी के वक्त मैंने तुमसे कहा था कि हमेशा प्रिया की मां बनकर रहना, कभी सास ना बन जाना। आज कहता हूं चाहे तो हमेशा के लिए उसकी सास बन जाओ, लेकिन सिर्फ एक बार, सिर्फ आज के लिए उसकी मां बन जाओ। सोचो कि वो तुम्हारी बहू नहीं बेटी है, और फिर कहो कि प्रिया का जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं। भाई साहब मैं आपको कैसे समझाऊं? बस करो अनु, बात हो गया। इस दुनिया में बहुत से जालिम इंसान देखे हैं मैंने, लेकिन तुम जैसी जालिम औरत नहीं देखी। तुम औरत हो, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? एक बाप हाथ जोड़े आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रहा है तुमसे, और तुम मत भूलो कि तुम भी माँ हो, तुम्हारी भी औलाद है। अगर तुमसे तुम्हारी औलाद कोई छीने तो क्या बीतेगी तुम पर? तुम औलाद के बारे में समझा रहे हो मुझे? अरे तुम्हें क्या पता औलाद क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है? घर तो बसाया नहीं तुमने, शादी तो की नहीं, बच्चे तो है नहीं, तुम रिश्तों को क्या समझोगे? हाँ नहीं की शादी मैंने, रिश्तों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान शादी करे, घर बसाए या उसकी कोई औलाद हो। रिश्ते तो अपने आप समझ में आ जाते हैं, बस इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। अगर तुम में इंसानियत होती ना तो अपनी सात पुश्तों की कहानी को सच्चा मानकर अपनी बहू की जान लेने की बात कभी नहीं करती। अपने अंधे विश्वास की खातिर तुम अंधा विश्वास तुम्हारी नजर में होगा, मेरे लिए वो एक हकीकत है, और उस हकीकत को अंधविश्वास का नाम देकर अपने खानदान का नाम मैं हरगिज मिटने नहीं दूंगी। अजय साइन कर, मुझे मेरा पोता चाहिए। और मुझे मेरी बेटी। सात पुश्तों से इस खानदान के साथ क्या कहानी जुड़ी हुई है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस अंधविश्वास के नाम पर मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ने नहीं दूंगा। इस खानदान के लिए बच्चा इतना जरूरी नहीं है जितनी प्रिया है। प्रिया जिंदा रहेगी तो खानदान चलाने के लिए औलाद और भी हो जाएगी। दूसरी औलाद नहीं होगी भाई साहब, ये आखिरी औलाद है प्रिया की। ये दावा कैसे कर सकती हो तुम? इसलिए कि हमारे खानदान में पिछली छह पुश्तों से कभी किसी माँ को दूसरी औलाद पैदा ही नहीं हुई। ये जरूरी नहीं है जो पिछले छह पुश्तों से होता आ रहा हो वो इस बार भी हो, ये कोई पत्थर की लकीर तो नहीं? पत्थर की लकीर ही है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने क्या फैसला किया है? मेरा विश्वास सच्चा है या नहीं इसका फैसला अभी हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो दोबारा माँ तो बन सकेगी ना? देखिए प्रिया की हालत बहुत नाजुक है, बच्चा ऑपरेशन करके निकालना होगा। मुझे अफसोस है कि प्रिया दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी। सर प्रिया को होश आ गया है, वो अपने पति से बात करना चाहती है। प्रिया? अजय प्रिया कहो प्रिया। अजय मुझसे वादा करो, अजय मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, उसे तुम बचा लोगे। ऐसा नहीं कहते प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अजय तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें मेरी कसम मेरे बच्चे को बचा लेना। अजय मेरे बच्चे को आ, 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 आ,
प्रिया, प्रिया। मिस्टर अजय, we have to hurry up for the operation. Please sign this form immediately. Nurse, keep everything ready. Dr. Roy, please come. ऑपरेशन बच्चे को बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हें जिताया किसने? अगर प्रिया ने अपनी कसम ना दी होती तो यह फैसला मैं कभी ना होने देता। अब तो खुश हो ना तुम? अंकल, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो है, और अगर वो सच है हमारी प्रिया को कुछ नहीं होगा। अंकल, मुझसे नहीं देखा जाएगा। पहले मेरी सुमन को छीन लिया, अब मेरी बच्ची मौत के दरवाजे पर खड़ी है। मैं दया की भीख मांगता हूं, भीख मांगता हूं। सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। स्टार्ट हिमाचल। प्लीज कॉल देम। यस डॉक्टर। मिस्टर अजय, बेटी हुई है। क्या कहा? बेटी हुई है। और प्रिया? जी, प्रिया की हालत तो बेटे। पापा, मैं आपका साथ छोड़कर जा रही हूँ। नहीं बेटे, नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ प्रिया, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहते हैं जब तसल्ली देने वाले की आंखें भर आए तो समझ जाना चाहिए मौत करीब है। पापा, आपने मेरी बेटी को देखा? कैसी है पापा? बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझसे भी ज्यादा? तेरे तो दूसरा रूप है। आज भगवान ने मुझे दो बेटियां दे दी। कहां पापा, एक बेटी तो छोड़कर जा रही है आपको। पापा बस कीजिए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर साहब, क्या कोई उम्मीद नहीं? नहीं, खून बहुत बह चुका है, और फिर मुश्किल तो यह है कि प्रिया का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। उम्मीद बहुत कमी सही, मगर खून मिल जाता तो एक बार कोशिश कर सकते थे। डॉक्टर, प्रिया कैसी? वो खून की वजह से। इनका और प्रिया का ब्लड ग्रुप सेम है। अच्छा। नर्स, अरेंज फॉर बेड, प्लीज हरी अप। देखो बेटे, देखो कौन है, देखो, देखो कौन है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिल गया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कृष्णा जी तुम्हें खून दे रही है, हिम्मत से काम लो बेटे। पापा, भगवान ने मुझे बचाने के लिए नहीं भेजा कृष्णा जी को। नहीं बेटे, बल्कि मुझे कुछ याद दिलाने के लिए भेजा है। इन्होंने बहुत तपस्या की है पापा, आप इन्हें अपना लेना।
प्रतिवारी कृष्णा जी की नब्ज गिरती जा रही है। कृष्णा जी, अब और खून नहीं लिया जा सकता आपसे। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आप मेरे जिस्म से मेरे खून की आखिरी बूंद भी निकाल लीजिए, मगर इस बच्ची को बचा लीजिए। आई एम सॉरी, एक जिंदगी बचाने के लिए हम दूसरी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। आप मेरी एक जिंदगी बचाने के लिए क्या तीन जिंदगी को खत्म कर देंगे? आप इसे बचाकर एक बच्चे की माँ को बचा रहे हैं, एक बाप की बेटी को बचा रहे हैं, एक पति की पत्नी को बचा रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, कुमार साहब की तरफ देखिए। आप क्या समझते हैं ये बेटी के मर जाने के बाद जिंदा रह पाएंगे? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डॉक्टर साहब। What do you say, doctor? I think थोड़ा खून और लिया जा सकता है। थोड़े से ही खून की तो जरूरत है डॉक्टर, ये बच जाएगी। जल्दी कीजिए। डॉक्टर बीपी नॉर्मल हो रहा है सर। अच्छे पापा, अच्छे हमारी प्रिया जिंदा, हमारी प्रिया जिंदा। कृष्णा ने तुम्हें बचा लिया प्रिया। पापा, अब तो मेरी रगों में उनका खून भी आ गया है। उन्होंने बहुत तपस्या की है। आप उन्हें ज़्यादा मत बोल। अब सब ठीक हो जाएगा। तू ठीक होगी ना? सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी में होने वाले अंधेरे को तुमने उजाले में बदला है। इस उचाले पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और फिर प्रिया ने भी आंख खोलते मुझसे यही मांगा। आज मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। मेरी खातिर, प्रिया की खातिर, आज से तुम कृष्णा से सुमन बन जाओ। मिस्टर अजय। ओह मिस्टर अजय। अरे डॉक्टर साहब, There is a good news for you. क्या बात है? मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि प्रिया दोबारा मां बन सकती है। सच? आई मीन इट। रब तेरा